दोस्तों, अगर आपका भी गुरु एवोल्यूशन का फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट है और किसी कारण से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन को यूज नहीं कर पा रहे हो, ट्रेड नहीं कर पा रहे हो और कुछ समय के लिए पॉज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ और आपको लाइव पोस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से फ्यूचर एंड ऑप्शन को पॉज करते हैं गुरु ऐप में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरु एप्लीकेशन में एक्टिव फ्यूचर एंड ऑप्शन को पॉज करना काफी आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और गुरु एप्लीकेशन ओपन करने के बाद राइट साइड में ऊपर में ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग कंट्रोल वाले ऑप्शन में एफओ पॉज का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अपना एक्टिव एफओ को पॉज करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मेरा यहाँ पर एफओ ट्रेडिंग इज एक्टिव है तो यहाँ पर मैं पॉज करना चाहता हूँ। तो नीचे में आपको स्लाइड टू पॉज एफओ का ऑप्शन दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको स्लाइड करना है अपना एफओ को पॉज करने के लिए। उसके बाद आपका एफओ पॉज हो जाता है और अगर आप अपना एफओ को फिर से एक्टिव करना चाहते हो तो फिर से आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन के लोगो पर क्लिक करना है और उसके बाद अकाउंट डिटेल्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एफओ पॉज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से स्लाइड कर देना है और आपको एक्टिव कर लेना है अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हो और पॉज कर सकते हो गुरु एप्लीकेशन में। तो अगर अभी भी आपको मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है किस प्रकार से अपना एक्टिव एफओ को पॉज करें तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।